हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक और नए शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। ठीक है, होप आपने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। हमने यहाँ पर एक स्टॉक से रिलेटेड बातें करी थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पर देखिए, मैंने इस गिरावट का उठाओ फायदा बेस्ट स्टॉक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। तो अगर मैं यहाँ पर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को लाता हूँ, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट यहाँ पर देखिए लगभग 7 से 8%, 10% तक ये भागता हुआ नजर आया था। ठीक है, तो इसी तरीके के हम शेयर देते रहते हैं, बताते रहते हैं। बट याद रखिएगा, बाइंग सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है और चीज़ों को जितना हो सके सीखने की कोशिश करना है। हमारा मकसद हमेशा सिखाना रहता है और कुछ नहीं। ठीक है ना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना, तभी पैसा आपका बनता हुआ नजर आएगा। जितना मेहनत करोगे उतना पैसा बनेगा। आज हम बात करेंगे यूनिकॉमर्स ईसोल्यूशंस से रिलेटेड। ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल, टेक्निकल, फाइनेंशियल सब चीज यहाँ पर जानते हुए नजर आएंगे। समझेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्या यहाँ पर होता हुआ नजर आया है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, सीखना है। सीखने के लिए वीडियोस देखने, जितनी वीडियोस देखोगे हर एक वीडियो आपको ज्ञान देती हुई नजर आएगी। ठीक है, और बारीकियों से रिलेटेड हम यहाँ पर खुल के बात नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए आपको बारीकियां सीखनी है तो मेरा यह प्लेटफॉर्म यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्लासेस चलती है, बेसिक्स टू एडवांस, टेक्निकल, रिसर्च, फंडामेंटल सब चीज की क्लासेस चलती है। अभी इस साल तक ये 25,000 रुपये का कोर्स है। नेक्स्ट 1 जनवरी से यहाँ पर मैं सीधे 50,000 रुपये इसकी फीस चार्ज करूंगा। ठीक है, तब तक आपको एनरोल करना है। आप एनरोल करिए और जितना हो सके उतना सीखने की आप कोशिश करिए, है ना। और जब 50,000 का एनरोल करूंगा तब मैं आपको कुछ और स्पेशलिटी चीजें भी यहाँ पर आपको बताता हुआ नजर आऊंगा। बट अभी फिलहाल की डेट में यहाँ पर 25,000 रुपये में आपका अच्छा खासा यहाँ पर सीखने को मिलेगा। ठीक है, 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग मिलेगी, स्ट्रेटेजीज इन स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट्स, सब कुछ मिलेगा। शेयर क्यों भागता है, क्यों गिरता है, कब लेना है, कब बेचना है, ये पूरा आइडिया लग जाएगा। तो 88605405018169261037 दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए। कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप जब चाहे तब आप करके रखिए। बाकी आपको काम भी करना है हमारे साथ तो भी इन नंबरों पे कांटेक्ट करिए, साथ में यहाँ पर मिलकर काम भी कर सकते हो। तो ई सॉल्यूशन जो है, यूनिकॉमर्स सॉल्यूशन करता क्या है, ये देखिए। ये जो कंपनी है ना, सास प्लेटफॉर्म पे काम करती है दैट मैनेज ई कॉमर्स ऑपरेशन फॉर ब्रांड, सेलर्स एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स। तो ये एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करता है जो अच्छे अच्छे ई कॉमर्स ब्रांड है ना, उनको। अब कौन कौन से ई कॉमर्स ब्रांड है, सबसे पहला तो यहाँ पर देख लीजिए, 86,000 प्लस का वेयरहाउस मैनेज करते हैं, 250 प्लस का ग्लोबल इंटीग्रेशन यहाँ पर है, 2700 प्लस का यहाँ पर स्टोर्स मैनेज करते हैं, 790 मिलियन प्लस का एनुअल ट्रांजेक्शन रन रेट इनका यहाँ पर रहता हुआ नजर आया। अब यहाँ पर थोड़ा सा और जानना है तो इनके कस्टमर्स, प्लान्स, इंटीग्रेशन, सॉल्यूशंस, इन सब चीजों से रिलेटेड जाइए, आपको पूरा का पूरा आइडिया नजर आता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात, इनके क्लाइंट से रिलेटेड जब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इनके जो क्लाइंट है TCNS, लैंसकार्ट, बेस्ट सेलर, है ना, बोट, अर्बन कंपनी, यहाँ पर देखिए ममाज अर्थ, और भी यहाँ पर अच्छी खासी इनकी बड़ी लिस्ट है। जाके यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सारे के सारे बड़े नाम हैं, मोस्टली यहाँ पर मार्केट में लिस्ट भी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे फैशन से कैटेगरी, फैशन, फुटवेयर, एक्सेसरीज, ब्यूटी, मतलब जितने भी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर सेल आउट होती है उन सबको ये कैटर करते हुए नजर आता है। तो होप बिजनेस मॉडल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसकी जगह पैसे यहाँ पर छापते हुए नजर आते हैं। मार्केट कैप की बात करें 2246 करोड़, मतलब स्मॉल कैप। जो स्मॉल कैप की बात करूँ तो हमेशा 2 चीज बताता हूँ। सबसे पहले हमारी एक्सपर्टीज इसमें है, ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहे, आपको सीखने का मौका मिलता रहे। बाकी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं। और दूसरी चीज, जब स्मॉल कैप की बात करूँ तो 2 चीज याद रखिएगा कि जब चीजें भागती है ना तो बड़ा पैसा बनता है, आप सब बहुत अच्छा लगता है या आप कितना पैसा बन रहा है। जब चीजें ये पैसा लेना शुरू करता है ना, तब आप देखते हो कि 500 वाला स्टॉक धीरे धीरे 400, 300, 200, 100 रुपए इस तरीके से गिरता हुआ नजर आता है। फिर यहाँ पर सारी वेल्थ इरप्ट होती हुई नजर आती है, सारी वेल्थ खत्म होती हुई नजर आती है। तो इसलिए सही टाइम पे एंट्री, सही टाइम पे एग्जिट, वो एक कला है जो हम यहाँ पर अपने कोर्स में आपको बताते हैं कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, ये सब चीज हम अपडेट यहाँ पर बात करते हुए नजर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा स्टॉक P173। ठीक है, बड़ा महंगा नजर आता है, शेयर बड़ा महंगा है, इस चीज को याद रखिएगा। इंडस्ट्री EPE की बात करें तो 40 का है, बट स्टिल मैं हमेशा कहता हूँ पी के बेस पे काम नहीं करना, पी के बेस पे कभी काम नहीं किया जाता। आप पी के बेस पे काम करोगे तो आपके पैसे कभी नहीं बनेंगे। आरओसी आरओई की बात करें 27-21% है, काफी अच्छी मानी जाती है, काफी लोग इसी को देख के यहाँ पर पैसा लगाते हैं। डेट की बात करें 11% का डेट है, तो मतलब ज्यादा डेट भी नहीं है, कोई प्लेजिंग भी नहीं है। तो ओवरऑल हम यहाँ पर बात करें तो क्या नजर आता है, फेस वैल्यू 1 की है, बस महंगा है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर अभी देखें यहाँ पर चीजें तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, ठीक ठाक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम चार्ट है, तो मतलब ये नया शेयर है, न्यू आईपीओ लॉन्च हुआ था 13 अगस्त को, वो अभी का यहाँ पर है। तो नेक्स्ट लास्ट मंथ यहाँ पर लिस्ट हुआ है, ठीक है, इसी मंथ लिस्ट हुआ है। अभी तो शायद 31 चल रही है ना, हाँ, तो अभी ही इस महीने ही लिस्ट हुआ है, तो अभी ज्यादा टाइम इस पर्टिकुलर शेयर को हुआ भी नहीं है। तो इस चीज को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा आप मुझे। हाँ, एक्चुअली मैंने नया लैपटॉप लिया था, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इसे चलाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हो, कंपनी के रिजल्ट आते हुए नजर आए 25 करोड़, 26 करोड़, 27 करोड़। तो केवल बहुत कम ही यहाँ पर सेल्स होती है, ऐसा तूफानी यहाँ पर काम नहीं करती हुई नजर आ रही है ना। जिस तरीके का वैल्यूएशन 173 के पी पे शेयर चल रहा है ना, एज इट इज हम बात करें तो एज इट इज यहाँ पर कुछ तूफानी नंबर्स नहीं है, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है ना। यहाँ पर हम देखें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4.2 करोड़ रुपीज के आसपास है, लगभग 15% का मार्जिन दिखा रहा है, जो कि अच्छी बात है ईयरली बेस पे, क्वार्टरली बेस पे। और नेट प्रॉफिट भी देखें तो वो भी बढ़ता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल हम देखें तो ओवरऑल यहाँ पर चीजें थोड़ी सी अच्छी नजर आती है, रिलायबल यहाँ पर नजर आती है कि कंपनी एक्चुअली थोड़ा बहुत ही सही, छोटा ही सही, बट यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, एक्सेलरेशन वे में यहाँ पर काम कर रहा है। बात करें सेल्स की तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी सेल्स 26 करोड़ थे, 32 करोड़, 40, 59, 90 और 104। तो धीरे 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 सेल्स इनकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जिस तरीके से एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जब ये एक लार्ज ग्रुप को यहाँ पर टारगेट करेंगे ना, है ना, धीरे धीरे इनके कस्टमर्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो इनकी सेल्स भी बढ़ती हुई नजर आएगी। और इस तरीके के नंबर हमेशा बताते हैं कि शेयर प्राइस आसमान को टच कर सकता है, ठीक है। बट स्टिल मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे कहने और किसी के कहने पर नहीं, आपको चीजों को अपने हिसाब से देखना है, उस कहने पर ही यहाँ पर कभी भी पोजीशन लेनी है। आपको समझ में आ रहा है तो आपको, क्योंकि आपके पैसे है, आपको अपने पैसों को जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो मतलब रिस्क, ठीक है, रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो आपको अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है वो आपके हाथ में यहाँ पर होता है हमेशा। रिजर्व्स की बात करें, अच्छे लोगों के साथ जुड़ो, और ये भी अच्छे लोगों के साथ जुड़ोगे तो कहीं ना कहीं फायदा भी होगा। और अगर भेड़ चाल में किसी के साथ भी एबीसीडी के जुड़ोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत फायदा हो, है ना। एट द एंड यहाँ पर कोई भी आंख बंद करके जो आपको चीजें दिलाएगा फिर वो वहां पर खत्म होती हुई नजर आएगी। तो सही तरीके से चीजों को एनालाइज करना सीखे। रिजल्ट्स की बात करें 63 करोड़ अच्छी है, जो कि बढ़ रही है। बोरिंग अभी यहाँ पर 8 करोड़ के आसपास की हुई है, इन्वेस्टमेंट 6 करोड़ के आसपास का है। और यहाँ पर कैश की बात करें तो 1 करोड़ का ही कैश पड़ा है, पॉजिटिव कैश फ्लोज नजर आते हैं। और यहाँ पर जैसे कि लिस्ट अभी हुआ है, प्रमोटर्स का 39%, एफआईज के पास लगभग 4%, डीआईज के पास 22% और पब्लिक के पास 34% की यहाँ पर होल्डिंग है। और पब्लिक में देखें तो कुछ बड़े नाम है यहाँ पर, आप देखोगे तो लगभग 21-22% के आसपास की हिस्सेदारी पब्लिक के पास, बड़े लोगों के पास है। और कुछ ही हिस्सेदारी 12% के आसपास की नॉर्मल यहाँ पर रिटेल पब्लिक के पास यहाँ पर दिखाई देती है। ज्यादा 20,000 लोग ही यहाँ पर इन्वेस्टेड है इस पर्टिकुलर शेयर में। यहाँ पर आप देखोगे तो अभी 16 अगस्त को मार्केट लिस्ट होने के बाद जैसे शेयर शायद भागा था तो 4% यहाँ पर इन्होंने निकाला है। बल्क डील की बात करें, बाइंग सेलिंग चलती रहती है, क्योंकि जैसे ही आ जाते हैं तो यहाँ पर बाइंग सेलिंग चालू हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से काम यहाँ पर चलता रहता है। तो ओवरऑल हम देखें तो 2200 करोड़ की यहाँ पर कंपनी है, उसके अगेंस्ट में हम देखें यहाँ पर कंपनी का ईयरली बेस पे परफॉर्मेंस तो 100 करोड़ के आसपास की सेल्स हो रही है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और साथ में पी है वो हमें यहाँ पर कंफर्ट लेवल नहीं दे रहा है, तो उस चीज को ध्यान में रखना है। बट टेक्निकल क्या कह रहा है, फंडामेंटल तो देख लिया, थोड़ा बहुत कंपनी सही कर रही है, बट हम बात करें टेक्निकल पूरी कथा कहता हुआ नजर आएगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि हम यहाँ पर टेक्निकल डिस्कस करें। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, सीखने की कोशिश करिएगा, सीखने का वीडियोस देखिए, इन नंबरों को नोट करके काम और साथ में यहाँ पर चीजों को देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन की हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो 2246 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। यहाँ पर ये हमने डिस्कस कर लिया। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टेक्निकल पे। तो टेक्निकल की बात करें तो जब से शेयर आया है थोड़ा नीचे गिर रहा है, थोड़ा ऊपर गिर रहा है, तो मतलब क्या है, साइडवेज वे में यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। एज सच अभी ऐसा कुछ काम करता हुआ नजर नहीं आया। ज्यादा हिस्ट्री नहीं है तो हम यहाँ पर ज्यादा बातें नहीं कर पाएंगे टेक्निकल से रिलेटेड, बट स्टिल किस तरीके से काम करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई यहाँ पर किसी का पोजीशन है या फिर बनाने की कोशिश भी कर रहा है, एक स्टॉप लॉस जरूर बनता है 204 रुपए के आसपास का। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस 204 रुपए या 200, हम बात करें 200 रुपए मान लीजिए, लगभग यहाँ पर 10% के आसपास का एक रिस्क बनता है। ठीक है, ऊपर की बात करूं, सबसे पहला टारगेट 256 का बनता है। ठीक है, और 256 को जिस दिन ये क्रॉस करेगा उस दिन यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका 250 से 255 के बीच में, कभी भी निकाल दीजिएगा अगर नीचे हिट होता है तो। क्यों? ये रिस्क मैनेजमेंट है, कोई नहीं सिखाता, ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो के देखिए, जब मैंने यहाँ पर 256 रुपए पे आपको कहा कि एंट्री लेनी बनती है ना, मैं लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बनती है, तो मैंने क्या बताया कि 2 रुपए से 5 रुपए का रिस्क है, ज्यादा रिस्क नहीं है, तो मतलब इसे ही रिस्क रिवॉर्ड कहते हैं। और जब ऊपर की बात कर रहा हूँ तो ऊपर जब हम यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं तो स्काई इज द लिमिट वाली बात है कि यहाँ पर फिर वो कहीं भी जा सकता है, फिर वो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सब कुछ ठीक नजर आता है बट महंगा है, इसे ध्यान रखिएगा। कंपनी धीरे धीरे परफॉर्म कर रही है, वो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, और 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट आ जाएंगे तो और ज्यादा आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तब तक चार्ट भी थोड़ा 3 से 6 महीने का हो जाएगा, और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो इसलिए जल्दबाजी मत करिए पैसा बनाने में स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी करोगे तो पैसा खोगे, और वो 1-2% लोग जो पैसा बनाते हैं ना, उनको पैसा दे के जाओगे। बाकी ध्यान से, सही से, आराम से काम करोगे तो पैसा आराम से बनेगा। ठीक है, जल्दी आपको पैसा धीरे धीरे बनाओगे तो बड़ा बनेगा, जल्दबाजी में करोगे तो शायद बड़ा भी बन जाओ, शायद बैंकक्रप्ट भी हो जाए। तो वीडियो अच्छी लगे, ज्ञान अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो मिलते रहे, है ना। और जितना हो सके यहाँ पर सीखने की कोशिश करें। कोर्स आपके सामने है ना, मैं काम करता हूँ वो आपके सामने है, सब चीज आपके सामने है, बाकी आपकी मर्जी। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।